राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पर वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में और सबसे कम जम्मू कश्मीर में हुई। पिछले फेजों में हुई वोटिंग में छठे फेज में सबसे कम वोटिंग हुई। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भाजपा उम्मीदवार प्रणंत टुडू पर हमला हुआ। पत्थर लगने से 2 CISF के जवान घायल हो गए। मतदाताओं को धमकाए जाने की शिकायत मिलने के बाद टुडू गरबेटा में एक बूथ का दौरा कर रहे थे। प्रणंत टुडू की कार में भी तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने TMC पर हमले का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने इस पर कहा, वोटिंग शुरू होने से पहले कैंडिडेट के एजेंट साइन करते हैं। इन सेंटर्स पर TMC के एजेंट मौजूद नहीं थे, इसलिए सिर्फ BJP एजेंट्स के साइन हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस कारण नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस को वोट नहीं दे पाए। यहां से आपके कैंडिडेट को उतारा गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी चांदनी चौक सीट के लिए अपनी पार्टी को वोट नहीं दे पाए। यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट दिया गया। पश्चिम बंगाल के तमलुक में वोटिंग से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक TMC समर्थक घायल हो गया। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।